अरे छत पे चले गए वो तो जी भाई साहब। सिलवानी बेगमगंज विधानसभा से आप देख सकते हैं, सिलवानी क्षेत्र से भाजपा विधायकों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करने के लिए कांग्रेस यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद वो यहाँ पर मौजूद थे। तोड़ फोड़ के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस कार्यालय अच्छी परंपरा नहीं रही इसकी जो बात है प्रचार कर रहा है कि समय देना सारी चीज़ें प्रचार कर क्या साइड नीचे रखो, नीचे नीचे रखो। थैंक यू। नहीं तुम आप मीडिया के सामने खोल ले। आप लोग नेतृत्व में आदरणीय निखरा जी के नेतृत्व में, आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आज वो कांग्रेस अगर इस तरीके से राजनीति में जाएगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहेगा कैसे जिले में, प्रदेश में कैसे रहे, कैसे ये संदेश गलत जा रहा है। हम लोग इसलिए चिंतित हैं। यहाँ पे हम लोग इस बात को कहने आए हैं कि अगर कुछ क्या बात है जिला पंचायत से जसवंसी सिंह जी सीनियर लीडर हैं, हाकम सिंह जी, उन्होंने हर जगह काम किया। ऐसे सारे 7-8-10 लोग जो हमारे टिकट मांग रहे हैं। विधानसभा का मैं आपको खून कर जान दे दूंगा। किस बात के लिए जान दे रहे हो? किसी भी कांग्रेसी के लिए टिकट देने के लिए बीजेपी के आदमी को टिकट दिया, इसलिए मैं अपनी जान दूंगा। नहीं, तोड़फोड़ तो कोई अन्य लोग घुसे आए थे यहाँ पे जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस ही किसी कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ नहीं की, एक चीज। दूसरा, हम लोग आए हैं सिलवानी विधानसभा से, वहाँ के सारे विधानसभा के पोलिंग और ब्लॉक स्तर के सारे कार्यकर्ता उसमें इकट्ठे हुए हैं और हमारे यहाँ आरएसएस और बजरंग दल की भावनाओं से प्रेरित विधायक देवेंद्र पटेल को, बीजेपी का विधायक को कांग्रेस ने टिकट देके आरएसएस और बजरंग दल जैसी विचारधारा को हम पे लादने का प्रयास किया है, ऐसे टिकट का। और दूसरा, जो राहुल गांधी ने क्राइटेरिया बनाया था, उस क्राइटेरिया का मध्य प्रदेश के नेताओं ने धज्जी उड़ा दी और कल को राहुल गांधी के बयानों पर मध्य प्रदेश में कोई विश्वास नहीं करेगा। इसमें जो हमें जानकारी मिली है कि इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी मोहन प्रकाश जी द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और एक ही नहीं, मध्य प्रदेश की 16-17 विधानसभाओं में इस टाइप से किया गया है। हम लोग ये मांग करने आए हैं कि कल तक का समय है, ये टिकट चेंज किया जाए और नहीं तो इसका पूरे जिले में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा, रायसेन जिले में, क्योंकि 10 सालों से हमारे सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह के खिलाफ सारे जिले के कार्यकर्ताओं ने 10 साल अपना तन मन धन से उनके खिलाफ संघर्ष किया, जनता की मदद की और कांग्रेस को पोलिंग स्तर पर जिंदा रखा। इस ऐसे कार्यकर्ताओं का इसमें मनोबल टूटा है और इसको कभी भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। राजेंद्र सिंह तोमर, सिलवानी विधानसभा से मैं भी प्रत्याशी था, लेकिन मेरा ये कहना है कि 7 लोग मांग रहे हैं, उनमें से किसी को टिकट दे दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जो भाजपा के लोगों को टिकट दिया गया। आपको असंतोष के बाद संतोष भी दिखलाई दे रहा है, नहीं दे रहा है कि लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, निश्चित रूप से उनकी बात को सुननी चाहिए, उनका हक भी है कहने का, और जो मेहनत करता है उसका तो और ज़्यादा हक बन जाता है। जब वो देखता है कि दूसरे को मिल गया तो उसके मन में थोड़ा आक्रोश रहता है, पर पार्टी का समझदार कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, वो इस बात को भी जानता है कि एक अनार है 100 बीमार हैं, हम एक के हैं, टिकट एक है और हम 15 उम्मीदवार हैं, किसी ना किसी को टिकट तो मिलेगा। तो इस कारण से धीरे धीरे करके उसकी समझ में भी आ जाता है और धीरे धीरे उनके मन का असंतोष जो है संतोष में बदल जाता है। और वो मैं यहाँ पर लगातार पिछले 4 दिनों से लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ और उसके बाद में उनकी समझ में भी आ रहा है, पर कहीं ना कहीं से उनके मन में कुछ ना कुछ रहता है। इसके लिए वो पार्टी ऑफिस आते हैं और अपना दर्द बयां करते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। देखिए, राजनीतिक आवश्यकताओं के तहत 1-2 टिकट ऐसे हो सकते हैं, बाकी सारे टिकट जो दिए गए हैं वो आधार के आधार पर दिए गए हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई फार्मूले से समझौता नहीं किया गया। अध्यक्ष अभी टिकट वितरण में लगे हुए हैं और उन्हें ये ड्यूटी मेरे लिए दी है, मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान तो जब होता है जब वो भाजपा में ही रहते और हम उनको टिकट दे देते। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद में उनको टिकट मिली। ये ज़रूर है कि उनको अभी, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हीं से 5 साल लड़ता रहा है, इस कारण से थोड़ा सा उसको अटपटा सा लग रहा है। और उनकी बात को हमने, सिलवानी की बात को हाईकमांड तक पहुंचा दिया है। जो भी निर्णय आएगा, ये तय हो गया है उन सब कार्यकर्ताओं के साथ में, तो जो भी निर्णय आएगा उसको वो स्वीकार करेंगे। उनका सिर्फ इतनी डिमांड थी कि हमारी बात को हाईकमांड तक पहुंचा दी जाए। उन्होंने जो प्रदेश प्रभारी है मोहन प्रकाश, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसा लेकर टिकट बेचा। मोहन प्रकाश फकीर है और मोहन प्रकाश के संबंध में कोई ये बात नहीं करता है। किसने ये बात की है? नहीं, राजेंद्र जी ने आरोप लगाया है। राजेंद्र जी मेरी समझ में आसपास यहाँ पर हैं, उन्हें ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। फुटेज हो सकते हैं तो उनने गलत आरोप लगाया है। राजेंद्र सिंह को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मोहन प्रकाश जी को पूरा देश जानता है कि उनके बराबर ईमानदार आदमी, जिस आदमी ने शादी भी नहीं की, जिस आदमी का परिवार भी नहीं है, जिसके पास में मकान नहीं है, जिसके पास में कोई गाड़ी नहीं है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, वो आदमी ये सब काम कर नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल गलत आरोप लगाया है। क्या कांग्रेस राजेंद्र सिंह जी पर अनुशासनहीनता या किसी प्रकार की कार्रवाई? अगर वो फुटेज दिखलाए जाएंगे तो निश्चित रूप से करेगी।